फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजलि होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने आज के इस वीडियो में हम स्प्रेन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आम भाषा में मोच आना कहते हैं। ये ज़्यादातर एंकल ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट में मोच आ जाती है, लेकिन इसके अलावा ये नी ज्वाइंट में या थंब में भी देखी जाती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, स्प्रेन में लिगामेंट रप्चर हो जाता है या लिगामेंट में इंजरी आ जाती है। लिगामेंट एक फाइब्रस बैंड होता है जो किसी भी जॉइंट में दो बोन्स को आपस में जोड़कर रखता है। अगर इस जॉइंट की अपनी फंक्शनल रेंज से ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है तो इस लिगामेंट में रप्चर हो जाता है, लिगामेंट में इंजरी हो जाती है, तो जिस कंडीशन को हम स्प्रेन कहते हैं। अगर ये इंजरी माइनर है और होम्योपैथ तो ये मेडिसिंस के साथ कवर हो जाती है, लेकिन अगर जो लिगामेंट टेयर काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो फिर यहाँ पे कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें तो एथलीट्स में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि जब वो रनिंग करते हैं तो उनके पैर के मुड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, कई बार लूज स्लीपर्स डाले होते हैं पर्सन्स ने या हाई हील स्लीपर्स डाले होते हैं, तब उनके पैर के मुड़ने के चांसेस होते हैं। अनइवन ग्राउंड के ऊपर चलते चलते कई बार पैर मुड़ जाता है, या ये इसके कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से जो है वो पैर के मुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब कोई पेशेंट गिरने लगता है, वो अपने हाथ से सपोर्ट देता है, तब उसकी रिस्ट जॉइंट में भी ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है, जिसे फिर रिस्ट जॉइंट में स्प्रेन आ जाता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे दर्द होगा। दर्द डिपेंड करता है इस कितना सवेयर है, ये इस पे डिपेंड करता है कि लिगामेंट कितनी ग्रेड तक इसमें इंजुरी आई है। सेकेंडली, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे नीलापन देखा जाता है, क्योंकि जो स्किन के अंदर की ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, तो यहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पर जो है वो नीलापन आ जाता है। और उसके बाद पेशेंट अपने जॉइंट को मूव नहीं कर पाता है, इमोबिलिटी आ जाती है, मूव करने पर उसको दर्द महसूस होता है, तो इमोबिलिटी देखी जाती है। जब भी इस तरह से स्प्रेन की कंडीशन हो जाती है, पैर मुड़ जाता है, तब सबसे पहले आपने उस जॉइंट को रेस्ट देना है, उसके बाद आपने इसको आइसिंग करनी है, बर्फ के साथ आपने इसको सिकाई करनी है, उसके बाद आपने इस जॉइंट को क्रेप बैंडेज के साथ कंप्रेस कर देना है, बांध देना है, ताकि वो जॉइंट मूव ना कर सके और उसको जो है वो रेस्ट मिले। उसके बाद आपने उस पार्ट को थोड़ा एलिवेट कर देना है, ताकि जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, फ्लूड इकट्ठा हुआ है, वो दोबारा ब्लड स्ट्रीम में जा सके। इसके साथ आपने होम्योपैथिक मेडिसिंस देनी है। यहाँ पे आपने 4 होम्योपैथिक मेडिसिंस लानी है, आर्निका 200, रूटा 200, रस्टॉक्स 200 और लीडम पॉल 200। इन 4 मेडिसिंस को आप 30-30 ml बॉटल में लेकर आएँ, सील्ड पैक मेडिसिंस लाएँ, उनकी 20-20 ml आप खाली एक 100 ml की बॉटल में डालकर मिक्स कर लें, और उसके बाद आप इसको शेक करके 5-5 इसकी बूंदें आप दिन में 3-4 बार पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की दर्द कम होती जाती है, तो आप इन मेडिसिंस को सुबह शाम कर दें, और इसके साथ साथ आप पेशेंट की प्रॉपर रेस्ट दें, और जब आपने रात को सोना है तो इस बैंडेज को आप रिमूव भी कर सकते हैं या थोड़ी सी लूज कर दें, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर चलता रहे। तो इन बातों का ध्यान रखें, प्लस ये मेडिसिंस लें, तो बहुत जल्दी ही जो स्प्रेन की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। इसके साथ अगर लिगामेंट टीयर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप एक पेटेंट मेडिसिन R55 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिंस के साथ आप इस मेडिसिन की भी 10-10 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन पूछना चाहते हैं, तो आप अपने सिम्टम्स कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, आपको मेडिसिन बताई जाएगी। और अगर आप किसी और डिजीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।